पता ना होने की वजह से एक आदमी गैंगस्टर की इंसल्ट कर देता है, फिर गैंगस्टर बदला लेने के लिए उसकी वाइफ के करीब आने की कोशिश करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है रिप्लेस गेम, जिसे डायरेक्ट किया है लिलियाना केवनी ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 6.6 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम टॉम रिपली नाम के बंदे को देखते हैं। ये बहुत ही इनलीगल काम करता है। आज वो अपने फ्रेंड्स रिप्स के साथ था, इन्होंने पेंटिंग की चोरी की है, इसी की डील करने के लिए वो जा रहे थे। जिस आदमी के साथ टॉम डील करने वाला था वो बहुत ही क्लासी था और वो रिप्स को वहाँ पर लेकर नहीं जा सकता। टॉम ने खुद कॉल करके पेंटिंग्स की डील कर ली थी। फिर टॉम जाकर वायर से मिलता है। वायर बहुत ही कम पैसे देने वाला था, लेकिन टॉम ने ऑलरेडी रिसर्च किया था तो इसके लिए वो बहुत सारे पैसे मांगता है। वायर को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो ज़बरदस्ती टॉम से पेंटिंग्स लेने वाला था, लेकिन टॉम ने उसके ही आदमी को मार डाला। फिर टॉम पेंटिंग के साथ पैसे भी लेकर चला जाता है। ये पैसे उसने रिप्स को दे दिए। वो पेंटिंग सेल करके बहुत सारे पैसे खुद के लिए रख लेता है। अब मूवी में 3 साल बीत चुके हैं। अब टॉम इटली में रहता है और अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है। पेंटिंग सेल करके उसे जो भी पैसे मिले थे इनसे उसने एक बड़ा सा मैंशन खरीद लिया है। आज अपनी वाइफ के लिए वो एक पियानो वाय कर रहा था। जब वो अपने घर पर वापस आ रहा था तब अपने नेबर से मिलता है। नेबर का नाम जोनाथन था। जोनाथन ने कहा, मेरे घर पर आज पार्टी है, बहुत सारे फ्रेंड आने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो। टॉम ने इसके लिए हाँ कहा। फिर टॉम जब पार्टी में पहुँचता है तब वो जोनाथन की वाइफ सारा से मिलता है, जो एक्चुअल में बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इन दोनों ने बातें की। फिर बाद में वो जोनाथन के पास आया। जोनाथन को पता नहीं था टॉम इसी रूम में है और उसके खिलाफ वो बहुत कुछ बोलने लग जाता है। वो कहता है टॉम ने जो घर बाय किया है इसकी उसने पूरी वाट लगा दी है, उसे आर्किटेक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बाद में जोनाथन रियलाइज़ करता है टॉम यहीं पर है। टॉम बहुत ही गुस्सा हो गया था, इन दोनों में फाइट होने वाली ही थी, लेकिन सारा वहाँ पर आ जाती है और सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं। टॉम गुस्से में घर पर आया और 3 साल बाद रिप्स उसके घर पर आया हुआ था। टॉम कहता है, मुझे जल्दी बताओ तुम्हें क्या काम है, वरना तुम्हारी बॉडी गटर में मिलेगी। रिप्स कहता है, वो पेंटिंग सेल करके तुम्हें बहुत सारा प्रॉफिट हुआ था, आज मैं एक ट्रबल में हूँ तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। रिप्स ने 3 सालों में बहुत सारे कसिनो और बार लिए थे, लेकिन अचानक उसके कंपटीशन में एक आदमी आया हुआ है। वो बार में अंडर एज लड़कियों को भी डांस करवाता है। रिप्स चाहता था टॉम उस आदमी को मार दे, अगर खुद उसने ऐसा किया तो सारा शक उस पर ही जाएगा, बाहर वाले का काम किसी को भी समझ में नहीं आएगा। टॉम इस बात को सीरियसली नहीं लेता। रात में वो जब अपनी वाइफ के साथ था तब उसकी वाइफ पूछती है, पार्टी कैसी थी। टॉम कहता है, बहुत ही घटिया थी। उसकी वाइफ ने कहा, जोनाथन को कैंसर है, शायद इसी वजह से उसका मूड खराब होगा। इस बात पर टॉम थोड़ा सोच लेता है। अगले दिन वो जोनाथन पर नज़र रख रहा था। उसने फिर रिप्स को कॉल लगाया। उसने कहा, अगर तुम किसी नए आदमी को लाओ तो वो भी काम कर सकता है, लेकिन रिप्स को नए आदमी के लिए काम देना ठीक नहीं लग रहा था। फिर टॉम ने जोनाथन के बारे में रिप्स को बता दिया। टॉम को पता था जोनाथन के पास ज़्यादा पैसे नहीं है और मजबूरी में ये काम वो करेगा और वो इसमें फंस सकता है। वो इस तरीके से उसे बदला लेना चाहता था। रिप्स ने फिर जोनाथन को कॉल करके एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया और उससे कहा, इस काम के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर जाते वक्त जोनाथन ने अपनी वाइफ को देखा, जहाँ पर वो काम करती है उसका बॉस उसे बहुत हैरेस करता है, पैसों के लिए सारा को ये काम करना पड़ता है। ये देखकर जोनाथन को अच्छा नहीं लगता। फिर होटल आकर वो रिप्स से मिलता है। रिप्स उसे कहता है, मैं तुम्हें $50,000 दूंगा, लेकिन तुम्हें एक आदमी को मारना पड़ेगा। जोनाथन इस बात से बहुत डर गया, ये काम वो कैसे कर सकता है। तब रिप्स ने उसे समझाया, वैसे भी तुम कैंसर से मरने वाले हो तो ये काम तुम कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए तुम्हें कुछ पैसे छोड़कर जाने चाहिए। जोनाथन के जाने के बाद रिप्स ने टॉम को कॉल लगाया और उससे कहा वो ये काम नहीं करने वाला। टॉम ने कहा, मैं अपनी तरफ से तुम्हें $50,000 दूंगा, उसे फिर से ये डील देना। जोनाथन फिर अपनी वाइफ की जॉब के बारे में सोचता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ फिर से वहाँ पर काम करे। अगले दिन रिप्स फिर से जोनाथन से मिलने के लिए आया। वो कहता है, अब मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। इस बात पर जोनाथन सोचने लग गया था। अपना काम खत्म करने के बाद जब घर पर जा रहा था तब टॉम उसे लिफ्ट देता है। टॉम उससे कहता है, तुम्हारी फैमिली बहुत ही ब्यूटीफुल है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो उनके लिए कुछ भी करता। जोनाथन ने ये काम करने का अब डिसाइड कर लिया था।
वो जब ये काम करने के लिए चला गया तब रात में टॉम सारा के पास आता है। बातों बातों में जोनाथन की बीमारी के बारे में बात होने लगी। सारा कहती है जोनाथन आजकल बहुत ज़्यादा एंग्री है कि उसे कैंसर क्यों हुआ, उसे बहुत तकलीफ़ होती है। वो कभी कभी चाहती है अगर जोनाथन की डेथ जल्दी हो गई तो उसे इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। तब टॉम ने उसे सहारा दिया। फिर हम देखते हैं जोनाथन जहाँ पर काम करने के लिए गया हुआ था वहाँ पर रिप्स उसे सारा प्लान बताता है। सारा के यहाँ से टॉम जब घर पर आता है तब उसकी वाइफ उससे पूछती है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ। उसे पता था टॉम को बदला लेना है, इसी वजह से वो सारा के पास गया हुआ था। टॉम उसे कुछ भी नहीं बताता। टॉम और सारा के बीच में क्या हुआ था ये हमें भी पता नहीं चलता। काम करने से पहले रिप्स ने जोनाथन के लिए एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स की थी। जोनाथन की रिपोर्ट आती है लेकिन उसके लिए कोई भी होप्स नहीं थी। इसके बाद रिप्स जोनाथन को उसका टारगेट दिखा देता है। वो कहता है ये आदमी हमेशा प्लेनेटोरियम जाता रहता है, तब वहाँ पर उसके साथ कोई भी बॉडीगार्ड नहीं होते। जोनाथन ने उस आदमी का पीछा किया। जब उसके पास कोई भी बॉडीगार्ड नहीं था तब गन पर साइलेंसर लगाकर उसे मार डालता है। अपना काम करके वो वापस आ गया। घर आकर उसने सारे पैसे सिंक के नीचे छुपा दिए। वो कुछ पैसे अपनी वाइफ को दिखाता है और कहता है वहाँ पर मेडिकल रिसर्च चल रहा था, मैंने खुद पर टेस्ट किए तो इसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं। उसने उसे बहुत मिस किया था तो आज रात ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन रिप्स ने फिर से जोनाथन को मिलने के लिए बुलाया। वो उसे कहता है तुम्हें एक और आदमी को मारना पड़ेगा। जोनाथन पहली बार से ही डरा हुआ था, वो फिर से ये काम नहीं करना चाहता। रिप्स कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम सिर्फ एक आदमी को मारोगे और फिर से अपनी लाइफ कंटिन्यू करोगे। उस आदमी के पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो तुम्हारी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें इन सब से बचना है तो एक और आदमी को मारना पड़ेगा। वो जिस आदमी को मारने के लिए कह रहा था वो आदमी डेड आदमी का दुश्मन है, फिर सबको लगेगा ये गैंग बॉर है और कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। अगले टारगेट के बारे में रिप्स ने आकर टॉम से बात की। टॉम उसे कहता है जोनाथन को तुम्हें सिर्फ एक ही काम देना था, ये सेकंड काम उसे अच्छा नहीं लगता। वो रिप्स को जोनाथन को छोड़ने के लिए कह रहा था लेकिन वो नहीं मानता। एक दिन रिप्स ने आकर फिर से जोनाथन को धमकाया, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। अब मजबूरी में जोनाथन को ये काम करना पड़ेगा। उसके अगले टारगेट को उसे ट्रेन में मारना पड़ेगा। उसका प्लान था जब उसका टारगेट टॉयलेट जाएगा वो वहीं पर उसे मार डालेगा। पहले वो जाकर टॉयलेट वगैरह चेक करके आता है लेकिन अचानक से टॉयलेट से टॉम बाहर आया। इन सब में जोनाथन उसी की वजह से फंसा हुआ था तो टॉम उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। टॉम ने जोनाथन को उसके टारगेट पर नजर रखने के लिए कहा। जोनाथन उसे हेल्प करता है, फिर टॉम ने उस टारगेट को मार दिया। उस टारगेट के पीछे पीछे बॉडीगार्ड भी थे, वो उन्हें भी मार देते हैं। टॉम की हेल्प करने के लिए जोनाथन को भी एक आदमी को गोली मारनी पड़ी थी। इन सब चीजों से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। जब यहाँ से वो बाहर निकले तब जोनाथन रोने लग जाता है। वो कहता है प्लीज इन सब से मुझे बाहर निकालो, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। टॉम कहता है तुमने मेरी इंसल्ट की थी, तुम ये काम कर सकते थे, अब तुम्हें बुरा लग रहा है लेकिन टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोनाथन इस काम के पैसे लेकर घर पर आता है। उसकी वाइफ को उस पर शक होने लगा था। वो कहती है ऐसा कौन सा रिसर्च है जिसके लिए तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। जोनाथन उसे झूठ बोलता है लेकिन वो नहीं मानती। फिर जोनाथन कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे छोड़कर जाना चाहता हूँ। वो इसके बारे में उससे कुछ बात नहीं करना चाहता। अगले दिन टॉम और जोनाथन मिलते हैं। जोनाथन टेंशन में था कि उसकी फैमिली के पीछे कोई ना आए। टॉम कहता है अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग मेरे पीछे आएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं गैंग को पता चल गया था इस सब के पीछे रिप्स है। वो उसे मारने के लिए उसके घर पर आए हुए थे, तब वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। फिर वो टॉम को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है लेकिन अब टॉम इसकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला था। टॉम को पता चल गया था अब कोई ना कोई तो कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। उसने अपनी वाइफ से कहा हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम कुछ दिनों के लिए कहीं और रहने के लिए चली जाओ। टॉम की वाइफ को उसकी सारी चीजों के बारे में पता होता था तो ये बात भी वो समझ गई। टॉम फिर जोनाथन के पास आया और उसे सारी सिचुएशन समझा देता है। वो कहता है आज रात मेरी हेल्प करने के लिए मेरे घर पर आना। जोनाथन फिर से अपनी वाइफ से झूठ बोलकर टॉम के पास आ जाता है। उन्होंने फिर पूरे घर में ट्रैप्स बिछा दिए, वो इस गैंग के लिए रेडी थे। जोनाथन को लग रहा था शायद वो आज रात नहीं बचेगा। सारा टेंशन लेने लग गई थी। वो टॉम को कॉल लगाकर पूछती है क्या जोनाथन तुम्हारे साथ है, लेकिन टॉम उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर अगली सुबह गैंग के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। इनके बिछाए हुए ट्रैप्स में एक आदमी फंस गया था। जोनाथन बाहर जाकर उस आदमी को देखने की कोशिश करता है। एक आदमी जोनाथन को मारने वाला था, फिर पीछे से टॉम आकर उस आदमी को मार देता है। एक आदमी को इन्होंने जिंदा पकड़ लिया था। फिर वो उसे कहता है अपने बॉस को कॉल करो और उसे कहो जिन आदमी को तुम ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर नहीं थे। ये कॉल सक्सेसफुल हुआ और अब गैंग इनके पीछे नहीं लगेगा। फिर उस लास्ट आदमी को भी ये मार देते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं सारा जोनाथन को ढूंढते हुए टॉम के घर पहुंच जाती है। जोनाथन को उस आदमी को मारते हुए सारा देख लेती है। वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर टॉम और जोनाथन मिलकर इन सारी बॉडीज को ठिकाने लगाते हैं। फिर गैंग की कार में इन्होंने देखा रिप्स की बॉडी पड़ी हुई थी। फिर उनकी कार रिवर के पास ले जाकर उसे आग लगा देते हैं। अब ये दोनों सेफ थे। जोनाथन के पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे। फिर वो घर पर पहुंचता है। उसे घर छोड़ने के बाद जब टॉम यहाँ से जा रहा था तो उसे एक गाड़ी देखी। ये उसे सस्पिशियस लगी। तब वो जोनाथन के पीछे पीछे आता है। जोनाथन के घर पर कुछ और आदमी उसका वेट कर रहे थे। वो उसकी फैमिली को मारने वाले थे। तभी टॉम वहाँ पर पहुंचकर सब लोगों को मार देता है। इस फाइट में टॉम को गोली लगने वाली थी, लेकिन जोनाथन उसके सामने आकर उसे बचा लेता है। फिर यहीं पर जोनाथन की डेथ हो जाती है, लेकिन मरते वक्त उसके फेस पर स्माइल थी। कैंसर की वजह से अगर उसकी डेथ होती तो बहुत ही धीरे धीरे होती, उसे बहुत ज़्यादा पेन होता। लेकिन आजकल भी वो पेन में था, लेकिन उसे उसकी डेथ अच्छी लगी। उसने जो भी किया अपनी फैमिली के लिए किया। इसके बाद हम देखते हैं रात में टॉम अपनी वाइफ के कॉन्सर्ट में जाता है। उसकी वाइफ उसके लिए बहुत ही टेंशन में थी। टॉम को देखकर उसे भी अच्छा लगता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।